अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है बेबी का हॉस्पिटल बैग और मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हूँ। और जब मैं 39 वीक्स प्रेग्नेंट थी तब मैंने ये वीडियो शूट किया था और ये सिर्फ बेबी का बैग है। मैंने अपना बैग सेपरेट से पैक किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये बैग में क्या क्या रखी हूँ। नाउ मैं थोड़ी सी कंट्रोल फ्रीक हूँ, मुझे थोड़ा होता है कि मेरा बेबी क्या कपड़ा पहने और कैसे पहने एवरीथिंग। तो मैंने क्या किया है, मैंने सारा आउटफिट को एक बैग में डाल दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी उस समय इतनी अच्छी हालत में नहीं होंगी कि मैं बैग खोल के बच्चे के लिए कपड़े निकालूँ। या हो सकता है मैं कहीं और हूँ, बच्चे कहीं और है, मेरे हस्बैंड को बोला जाए बच्चे के लिए कपड़ा देना है तो वो कुछ और दे दे, मेरा मन था कुछ और पहनाने का, तो मुझे पता है मेरा मूड एकदम से अपसेट हो जाएगा। सो व्हाट आई हैव डन इज़ अपने हस्बैंड की लाइफ सिंपल करने के लिए मैंने ऐसा पैकेट बना दिया और उसमें मैंने लिख दिया कौन सा आउटफिट कब पहनानी है। सो दिस इज़ द फर्स्ट डे आउटफिट जो बेबी पहनेगी। मैंने ऐसे ऐसे पैकेट बना के सब में लेबल लिख दिए हैं, मैं आपके खोल के दिखाती हूँ। मैं सारा नहीं खोलूँगी क्योंकि वो ऑलरेडी पैक्ड है, मुझे शूट करने पैक करने से पहले शूट करना चाहिए था। पर एनीवेज मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ और मैं आपको जो खोल के दिखा रही हूँ वो सेकेंड डे आउटफिट है। और मोस्टली क्या होता है, सब मिलने सेकेंड डे ही आते हैं तो इसलिए मैंने ये आउटफिट सेकेंड डे के लिए चुना है। तो इसमें है एक बॉडी सूट रॉम्पर्स, उसके साथ अंदर में पहनने के लिए इनर, साथ में है मिटन्स कैप्स एंड बिप्स। उसके लिए मैंने अलग से स्वेडल ब्लैंकेट लिया है क्योंकि बच्चे को स्नगल रहना बहुत पसंद है, तो मैं अपनी बेबी को रैप करके रखूँगी। सो दिस इज़ द होम कमिंग आउटफिट। हम लोग जब बच्ची को लेकर आएंगे घर तो मैं ये ड्रेस चूज़ की उसको पहनाने के लिए। सब कुछ सेम है जो सेकेंड डे आउटफिट में है, सब कुछ इसमें भी सेम है, सिर्फ उसका ब्लैंकेट मैं अलग से रखी हूँ, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और ये है एक्स्ट्रा क्लोथ्स, इफ़ इन केस बच्ची गंदा करती है या कपड़े की ज़रूरत पड़ा तो मैं एक्स्ट्रा ले कर रखी हूँ कि कभी भी काम आ जाएगा। और ये है टॉवल, मैंने एक बड़ा टॉवल लिया है और छोटा छोटा टॉवल भी ली हूँ, कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकता है तो मैं सब पैक कर ली हूँ। और जो ब्लैंकेट का मैं बात कर रही थी होम कमिंग आउटफिट का, वो इसके साथ ये ब्लैंकेट है, वो भी सॉटल ब्लैंकेट है, ये मैं उसको रैप करके आऊँगी घर। डायपर रखी हूँ मैं 6 to 8 डायपर्स। और मेरा 2 डेज ही स्टे है हॉस्पिटल में, इफ़ मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं नीचे फार्मेसी से मंगवा लूँगी। और ये है चेंजिंग मैट, जब बच्ची को मैं डायपर चेंज कराऊंगी या कपड़े चेंज कराऊंगी तो ये बिछा लूँगी। तो इफ़ सुसु पॉटी की तो इसमें होगा तो बहुत जल्दी वो सूख भी जाता है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं तो ये मैंने ले ली है। सो लास्ट है वाइप्स एंड हैंड सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी हो गया नाउ डेज़। सो ये था मेरा बेबी हॉस्पिटल बैग जो मैंने पैक किया है। सो आप लोगों को लगता होगा ये सारा पिंक पिंक क्यों है, तो मुझे बेबी जेंडर मालूम था, मुझे डॉक्टर बता दी थी दैट आई एम कैरिंग अ बेबी गर्ल। और जब से मुझे पता चला कि मैं बेटी, मतलब मैं मेरी बेटी होने वाली है, तो उस वक्त से मैं जब भी बाहर जाती थी मैं कुछ ना कुछ शॉपिंग करते रहती थी बेबी का। और अभी का जो सिचुएशन चल रहा है ये कोरोना वायरस एंड ऑल,
कर्फ्यू है ये सब है, तो मैं सोचती हूँ थैंक गॉड कि मैंने सारा शॉपिंग बेबी का कर लिया था, वरना बेबी को मैं क्या पहनाती, क्योंकि यहाँ पर सारा शॉप्स बंद है तो कुछ तो ले नहीं सकते कुछ। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा शॉपिंग कर लिया था, आराम से 6 मंथ तक बेबी का चलेगा। और मैं अगर इंडिया में रहती तो ये हॉस्पिटल बैग तो बनता नहीं, क्योंकि पहले से बेबी का शॉपिंग करना मम्मी तो मुझे अलाउ करती ही नहीं कि कुछ भी ले लो, और यहाँ पर तो कोई करने वाला है नहीं, मुझे खुद से करना पड़ता। तो मैं आहिस्ते 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 करके सारा शॉपिंग करके कंप्लीट कर दी। और मैं यहीं के साथ करती हूँ अपनी व्लॉग को एंड, फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।